मंत्री जी, मंच पर उपस्थित वेस्टर्न रेलवे के, सेंट्रल रेलवे के माननीय महाप्रबंधक महोदय, कोंकण रेलवे के सीएमडी महोदय, ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई बीएल बैरवा जी और हमारी ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के संरक्षक माननीय सांसद श्री अर्जुन मेघवाल जी, ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का आज ये सेंट्रल वेस्टर्न और कोंकण रेलवे का ज्वाइंट एजीएम है। मंत्री जी के संज्ञान में हम कुछ एसोसिएशन की जानकारी लेना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, यूं तो हमारे संरक्षक मेघवाल जी आपसे पार्लियामेंट में मिलते ही रहते हैं, समस्याओं की जानकारी देते रहते हैं, लेकिन ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का गठन हुए आज से 50 साल पहले हुआ था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था कि रेलवे के अंदर ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को लेकर के, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, उनकी जो हो रही एट्रोसिटी को लेकर के कोई भी चर्चा किसी भी स्तर पर नहीं की जाती थी, लेकिन आज ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को एक रेलवे बोर्ड ने मान्यता दी है वेलफेयर संगठन के रूप में। और माननीय मंत्री जी, हम आपको यही अवगत कराना चाहते हैं कि आज ये जो ज्वाइंट एजीएम है यहाँ पर ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के तीनों रेलवे के सम्मानित पदाधिकारी डेलीगेट तो उपस्थित हुए ही है, लेकिन ऑल इंडिया से सारे जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंटों को सबको आमंत्रित किया है और ये वो लोग हैं जो अपनी छुट्टी लेकर के आते हैं, अपना पास लेकर के आते हैं, इनको रेलवे के अंदर कोई इस तरीके की सुविधा नहीं दी जाती। उसके बावजूद भी हम आपके संज्ञान में ये लाना चाहते हैं कि ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन है रेल के अंदर जिन्होंने अपनी ताकत की पहचान कराई है। आज से पहले रेल के अंदर टेरिनर का सीक्रेट बैलेट का चुनाव हुआ था और उस सीक्रेट बैलेट में ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने जिस ट्रेड यूनियन को वोट किया था उसी ट्रेड यूनियन को मान्यता मिली थी, दूसरी ट्रेड यूनियन रेलवे से बाहर हो गई थी। ये ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की ताकत है। और मंत्री महोदय, आपके द्वारा, आपके मंत्रालय के द्वारा हमारी ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉई मैनेजमेंट की भागीदारी दी गई है। हम लोगों को स्टाफ बेनिफिट फंड की भागीदारी दी गई है। हम लोगों को डिविजनल स्तर तक कार पास की भागीदारी दी गई है। लेकिन जो ब्रांच लेवल पर जहाँ पर हमारी एसोसिएशन की जड़ है, जहाँ पर हमारे एसोसिएशन के कार्यकर्ता काम करते हैं, ब्रांच लेवल पर कोई भी इस तरीके की भागीदारी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपके माध्यम से, माननीय अर्जुन मेघवाल जी के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ब्रांच स्तर तक हम लोगों को कार पास की सुविधा दी जाए जिससे कि हम अपने लोगों का उद्धार कर सकें। हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए माननीय महाप्रबंधक माननीय डीआरएम साहब के सामने अपनी समस्याएं रख सकें। और एक और समस्या माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारी एसोसिएशन का जहाँ जहाँ पर गठन हुआ है ब्रांच स्तर पर जैसे ही कोई गठन होता है तो अन्य संगठन मिलकर के हमारे ब्रांच के पदाधिकारियों को तंग करने के लिए उनका स्थानांतरण करा देते हैं। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अनुसूचित जाति जनजाति को विशेष दर्जा संविधान में मिला हुआ है, हमारे किसी भी पदाधिकारी का बिना जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के जानकारी के स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है कि हमारा कोई भी पदाधिकारी अगर किसी संदिग्ध क्रिया में लिप्त हो उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, हम पूरी मेहनत से काम करने वाले लोग हैं और हम यह चाहते हैं माननीय मंत्री जी आपके नेतृत्व में ये ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के तमाम लोग जो 3.5 लाख एम्प्लॉई पूरे देश के अंदर काम करते हैं आपके नेतृत्व में रेल को मजबूत करने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। हम आपसे सिर्फ यही अनुरोध करना चाहते हैं कि ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एक संगठन, ऐसा संगठन है जो वेलफेयर का काम करता है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा अन्य लोगों की भी समस्याओं को सुनता है, अन्य कर्मचारियों की भी समस्याओं को सामने लाता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने महाप्रबंधक, जो 3 महाप्रबंधक हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, चाहे वो सूद साहब हो, चाहे वो हेमंत जी हो, चाहे वो तायल साहब हो,
हमारी समस्याओं को बड़े आसानी से सुनते हैं और उसका समाधान करने के लिए पूरा वचनबद्ध है। दोस्तों, मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए, क्योंकि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, जो समस्या मुझसे रह गई आपकी, जो सुविधाएं हम लोगों ने रेल मंत्रालय से लेनी है, उन सुविधाओं को माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि प्रशासन के लोग उस ईमानदारी से उसको लागू नहीं करना चाहते। पीआरईएम की सुविधा हमको मिली है, लेकिन बहुत सारे इंडियन रेलवे पर कार्यालय नहीं दिए गए। जो प्रेम की सुविधा दी गई है वो मुहैया नहीं कराई गई। और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो मेमोरेंडम के माध्यम से हमने आपके समक्ष रखी है। और बीच में चर्चा करते हुए माननीय अर्जुन मेघवाल जी, जो हमारे संरक्षक हैं, इनका बहुत सान्निध्य हम लोगों को प्राप्त है। इससे पहले भी जब वो सांसद थे, हमारा हमेशा साथ दिया। 5 साल तक ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को मजबूत करने का काम किया और हमने भी ये कसम खाई थी। माननीय मेघवाल जी, आप जैसे इंसान को संसद में रहना बहुत जरूरी है, तो हमारे लोगों ने ये करके दिखाया। मैं यही शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, मंच पर बैठे हुए महाप्रबंधक जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी के आए हुए जितने भी पदाधिकारी अन्य संगठनों के सम्मानित पदाधिकारी सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी इस एजीएम की शोभा बढ़ाई और हम लोगों को ताकत मजबूत की। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय रेल मंत्री जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, समय बहुत कम है। मंत्री जी को बुलाने से पहले, जैसा कि मुझे महासचिव महोदय ने निर्देशित किया है कि जो मुद्दे रह गए मैं कुछ बताऊं। आदरणीय महोदय, ये वक्त आपके सामने समस्या बताने का नहीं है, ये मात्र आपका एक फेलिसिटेशन फंक्शन है, और ये फेलिसिटेशन फंक्शन ये बताने के लिए भी है कि हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है, वो आज की तारीख में जो वर्तमान सरकार है और जो हमारे रेल मंत्री जी हैं, इनमें पूरी आस्था रखती है, ये हम बताना चाहते हैं आप। और हमको बड़ी खुशी हुई कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यभार ग्रहण करती कि गरीबों की, पिछड़ों की सरकार होगी और इनके लिए काम करेगी, और जब ये बात कही गई तो हमारा सीना खुल करके बहुत चौड़ा हो गया, आदरणीय मंत्री जी। और दूसरा, हमको जब बहुत ज्यादा खुशी हुई जब रेल विभाग के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक का हर आदमी, हर कर्मचारी, हर अधिकारी बहुत चिंतित था कि शायद अब रेल का निजीकरण होने जा रहा है, रेल का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, शायद रेल बर्बाद हो जाएगी, ऐसा लोगों के अंदर संदेश था। और उस घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुशासन दिवस के अंदर DLW पटियाला के अंदर जब ये घोषणा की कि रेल का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा और बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, हमारे मंत्री जी ने भी जयपुर में जब आए, मेरी पहली मुलाकात थी, तो उन्होंने कहा कि हम कोई भी निर्णय आप लोगों की सहमति के बिना नहीं लेंगे, रेल के हित के खिलाफ नहीं लेंगे, रेल के कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ नहीं लेंगे, लेकिन रेल के विकास के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो हम आपकी सहमति से उठाएंगे, ये माननीय मंत्री जी ने कहा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आप दोनों नेताओं ने जो हमारे सामने वक्तव्य रखे, इससे हमारा विश्वास आपके प्रति, सरकार के प्रति बढ़ा है, और हम ऐसी आशा करते हैं कि आने वाला जो समय है रेल की उन्नति के लिए होगा, देश की उन्नति के लिए होगा, SC ST जो वर्ग है उसके विकास के लिए होगा, उसके उत्थान के लिए होगा। साथियों, मैं इस मौके पर माननीय रेल मंत्री जी को अनुरोध करना चाहता हूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विकट परिस्थितियों में संघर्ष करके और हमको ये आरक्षण की सुविधा दिलवाई, उस समय हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत खराब थी, और इतने लंबे समय के बाद जो हमारी स्थिति में सुधार होना चाहिए था वो सुधार नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ है। पर आज की तारीख में हम उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं कि बिना आरक्षण के सामान्य वर्ग के जो हमारे साथी हैं उनके बराबर कम्पीट करके हम सरकारी सेवा में आ सकें, हम पदोन्नति ले सकें, या हम चुन करके लोकसभा और राज्यसभा में जा सकें, लोकसभा और विधानसभा में जा सके, ऐसी आज भी हमारी स्थिति नहीं हुई है माननीय महोदय। और इसलिए इस बात की सख्त आवश्यकता है,
आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं 3.5 लाख SC ST कर्मचारियों के माध्यम से कि आप ने जो कारवा हाथ में लिया है उसको आप आगे बढ़ाएं। SC ST का वर्ग आपके साथ पूरे कंधे से कंधा मिला करके साथ देगा, लेकिन इन वर्गों की कभी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, इन वर्गों के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए। और एक भ्रम जो लोगों ने फैला रखा था कि एक पर्टिकुलर पार्टी यदि शासन में आ जाएगी तो शायद आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ऐसा मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जब आरक्षण खतरे में हुआ 1996 के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आपका सीनियरिटी चला गया, आपका रोस्टर चला गया, आपका 50% से ज्यादा रिजर्वेशन को भरने का बैकलॉग भरने का चला गया, रिलैक्सेशन कंसेशन चले गए, हमने सड़क पर आंदोलन किया माननीय महोदय, हमने जंतर मंतर पर रैलियां की, और उसके बाद में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने लगातार 4 अमेंडमेंट बिल हमारे इसमें पास, कैसे कह सकते हैं हम। मोदी जी से भी हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि आज की तारीख में हमारे सामने बड़ी ज्वलंत समस्या है कि पदोन्नति में आरक्षण को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया उसकी वजह से कई राज्यों के अंदर कई विभागों के अंदर पदोन्नति में आरक्षण छिन गया है। और इस बारे में पिछली सरकार ने UPA गवर्नमेंट ने राज्यसभा में 117वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया था सर, और वो विधेयक कितने ही सत्र निकल गए लेकिन सरकार लोकसभा में पास नहीं कर पाई, और इसके लिए ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने पूरे देश के दलित आदिवासियों को साथ लेकर के जंतर मंतर पर 2 लाख की महारैली की सर, और हमने दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम किया और सरकार को राज्यसभा में बिल लाने के लिए मजबूर किया। अब हम उस सरकार से इसको पास नहीं करवा पाए, लेकिन देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है, NDA गवर्नमेंट की तरफ देख रही है कि शायद मोदी जी की सरकार इस संविधान संशोधन विधेयक को पास करेगी। मैं यहाँ इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि यदि ये संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया तो ये बात भी प्रमाणित हो जाएगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे लिए संवैधानिक प्रावधान किए, मोदी जी ने हमारे लिए प्रावधान किए, तो जो दलितों की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा, ये हमारा नारा होगा सर। और इसलिए आप बहुत सक्षम रेल मंत्री हमारे बीच में आए हैं। अब से पहले हमारी ट्रेड यूनियन ने या ट्रेड यूनियन के साथी भी बैठे सर, रोज प्लान बनते थे कि रेल का भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, कर्मचारियों के वेतन नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं, पद घटाए जा रहे हैं और रेल कंगाल होती जा रही है। ऐसी एक घड़ी आई थी सर जब रेल का भाड़ा बढ़ाने की हिम्मत की, रेल की स्थिति में सुधार आया, और अब एक ऐसा सक्षम नेतृत्व हमको मिला है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि रेल के अंदर अब आपके हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा साथियों। और यदि हमारी ताकत माननीय सुरेश प्रभु जी के साथ रही, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने की रही, तो मैं ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपके हितों के साथ कभी कुठाराघात नहीं होगा साथियों। समय काफी हो गया है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपको सर एक ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में डिमांड है, सदानंद गौड़ा साहब के साथ हमारे संरक्षक साहब की मीटिंग हुई थी, हमारी भी हुई थी, मनोज कुमार सिन्हा साहब ताल कटोरा स्टेडियम में थे, और कुछ मामले ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं। ये सारे लोग ये अपेक्षा करते हैं कि अब समय आ गया है कि हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए, इसलिए आपसे आग्रह करूंगा जल्दबाजी में हम नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव सोच के साथ हमारे साथ न्याय करेंगे ऐसी मैं कामना कर सकता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्त समाप्त करता हूँ। आदरणीय रेल मंत्री जी के सामने मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, हम जिन्हें युवा जनरल सेक्रेटरी कहते हैं अशोक कुमार जी, ये रेल सेवा में रहते हुए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में दलित आदिवासियों को एक साथ लेकर काम कर रहे थे, और हमने एक राष्ट्रीय दलित पंचायत के बैनर के नीचे संगठन बना करके भी पूरे देश के दलितों को एकजुट किया था, और इन्होंने यह आवश्यकता महसूस की कि अब सेवा ऐसे नहीं हो सकती,
और इन्होंने अभी इस कार्यक्रम आने से पहले अपना रेल सेवा से वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है। और मैं इस मौके पर अनुरोध करूंगा माननीय रेल मंत्री जी से, अशोक जी को एक बूका देकर उनके भविष्य की शुभकामना करेंगे, और अर्जुन राम मेघवाल साहब आप भी उनको एक बूका देकर के उनके भविष्य की शुभकामना करेंगे। आदरणीय रेल मंत्री जी, धन्यवाद सर। और इसके साथ ही अब वो घड़ी आ गई है जबकि आप रेल मंत्री जी को सुनने के लिए बेताब हैं, और हमारे जो सांसद महोदय हैं वो मंत्री जी के बाद संबोधित करेंगे, क्योंकि मंत्री जी को जाना जरूरी है, हमने उनका ज्यादा समय ले लिया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, जिंदाबाद 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 ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। संसद में मेरे साथी, हमारे पार्टी के मुख्य सचेतक, वो तो हिंदी में हुआ, उसका अंग्रेजी में मतलब होता है चीफ व्हिप, सर्कस में व्हिप होता है ना लोगों को ठीक करने का, ऐसे व्हिप लेके घूमने वाले मेरे परम मित्र अर्जुन राम मेघवाल जी, मेरे दूसरे मित्र, आपके पार्टी को आपके ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष और आपके हित की रक्षा करने के लिए हमेशा झगड़ने वाले भैरवा जी, अभी जिन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट हो लिया है लेकिन टायर्ड नहीं हुए, रिटायर्ड हुए टायर्ड नहीं है ना। अशोक कुमार जी, हरनोटिया जी, वीवी नाइक जी, गंगा सहाय जी, एस ए वावल जी, पीके खोया जी, ओपी बायरवा जी, वी एस सावलकर जी, राज बहादुर जी, रेल प्रशासन में मेरे साथ काम करने वाले मेरे साथी, इस कार्यक्रम के लिए पूरे देश के विविध विभागों से, स्थानों से, राज्यों से आए हुए रेल के परिवार के मेरे भाई बहन हैं, और यहाँ पर उपस्थित और सब भाइयों और बहनों, आज मेरे लिए ये बहुत हर्ष की बात है कि एक ही समय एक ही जगह पर पूरे देश में काम करने वाले रेल के मेरे परिवार के लोगों को मिलने का मौका मुझे मिला। रेल मंत्री हुए आज इत्तेफाक की बात है कि 9 नवंबर को मैंने रेल मंत्री का शपथ ग्रहण किया था, और आज है 9 जनवरी, 2 महीने के बाद और एक समय आकर यहाँ पर सब परिवार के सामने एक और शपथ ग्रहण करने का मौका मिला कि जहां पर कहने के लिए मैं आया हूं कि हमारी जो रेल, जो सही माने में हमारी माँ भी है, हमारी पिता भी है और हमारे सर्वस्व है, इस रेल को किसी भी हालत में हम और मजबूत बनाएंगे, रेल की स्थिति कितनी नाजुक हो उसको ठीक करके ही रखेंगे, और आगे आने वाले दिनों में आप यकीन करेंगे इस बात का कि हम रेल के साथ में, रेल के हित के साथ में, रेल में रहने वाले जो काम करने वाले लोग हैं इनके हित के सामने कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। वैसे तो मेरी कोशिश रही है कि मैं 16 17 18 उनसे घंटे काम करता हूं, जब से मंत्री बना हूं एक पल भी शायद मैंने किसी भी काम से हटकर रेल को छोड़कर और कुछ काम नहीं किया होगा। वैसे थोड़ा सा किया था कि मैं मोदी जी ने मुझे शेरपा भी बनाया, वक्त हमने इस बात के लिए लगाया
कि रेल किस तरह से ठीक बने, और उसी सिलसिले में मैं पूरे देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जोन्स में, अलग अलग डिवीजन में जा रहा हूं। वैसे ही एक शाम को मैं गया था जयपुर, जयपुर पहुंचा रात को 7:30 के आसपास। मुझे इस बात की खुशी हुई, मैंने सभी वहां के रहने वाले अधिकारियों के साथ, लोगों के साथ में बातचीत की। उस समय बैरवा जी मिले, रात को 9:30 बजे का शायद समय होगा, लेकिन 9:30 बजे भी वहां काम करने वाले बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। क्योंकि ये बात सही है कि रेल में जो आदमी काम करता है वो घड़ी देखकर काम नहीं करता, वो घड़ी देखकर काम नहीं करता, लेकिन हर घड़ी काम करता है, घड़ी के देखकर नहीं, लेकिन हर घड़ी काम करता है। इसके लिए रेल आज 24 घंटे साल के हर दिन, बर्फ हो, तूफान हो, बारिश हो या कोई भी स्थिति हो, रेल चलती रहती है। इसका कारण यदि कोई होगा तो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के वजह से ही रेल चलती है। इसलिए मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि रेल को चलाने के लिए आप लोगों ने जो योगदान दिया है, वही योगदान आगे वाले दिनों में हमें ज्यादा देना होगा, क्योंकि रेल से हमारी लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है। बैरवा जी कह रहे थे कि मंत्री बनने के बाद जब मैं मुंबई शहर प्रथम समय आया तो मैंने भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के स्थान पर जाकर वहां माथा टेक कर उनके आशीर्वाद लिए। क्योंकि जब हम मंत्री बनते हैं तो सांसद बनते हैं तो हम शपथ ग्रहण करते हैं कि हम किसी भी हालत में संविधान का रक्षण करेंगे, देश की अस्मिता को अक्षुण रखेंगे। लेकिन ये संविधान किसने बनाया? ये संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने, और इस संविधान में शायद विश्व में और कोई संविधान में न होगा इस तरह के अधिकार यहाँ रहने वाले आम आदमी को डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की वजह से मिले। इसलिए बाबा साहेब आंबेडकर हमारे लिए एक बहुत बड़े महामानव है, और हम इस बात के लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का जन्म हमारे धरती पे हुआ। हमारे लोगों के दिक्कतें दूर करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई, और इसीलिए आज भी इतने सालों के बाद डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को हम सिर्फ एक बैरिस्टर की तरफ नहीं देखते, एक संविधान बनाने वाले की तरफ नहीं देखते, लेकिन यहाँ के रहने वाले गरीब, यहाँ पे रहने वाले दलित, यहाँ पे रहने वाले पीड़ित लोगों के मसीहा की तरफ से देखते हैं। और इसीलिए मुझे इस बात का विश्वास है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा फर्ज बनता है कि किसी भी हालत में सिर्फ बाबा साहेब आंबेडकर की संविधान के ऊपर हाथ लेकर हम राज्य को नहीं चलाएंगे, लेकिन बाबा साहेब आंबेडकर ने जो दिशा हमें दिखाई थी उसी को ध्यान में रखते हैं, उसी विचारों के साथ में हम देश की राज्य चलाएंगे, देश को आगे ले चलेंगे। आज बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित हुए शिक्षा लीजिए, शिक्षा के साथ में संगठित हुए, शिक्षा और संगठन के साथ में लड़ाई करके आगे चलिए। हमारे देश के दलितों की यह स्थिति है कि बच्चों को पढ़ाई देने के लिए, शिक्षा देने के लिए पहले कुछ कमाई होनी चाहिए, और यदि उनके लिए जॉब नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे दे पाएंगे। और इसीलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि, और हमारे सभी देश के रहने वाले राज्य के लोगों का फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा हम जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसे लोगों के लिए दें जो लोग आगे आने वाले दिनों में अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, पढ़ाई दे सकते हैं। पढ़ाई देने के बाद में संगठित करने के लिए जो काम आप कर रहे हैं बैरवा जी, वही काम बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कि संगठित कीजिए। तो मुझे लगता है शिक्षा और संगठन के द्वार पर लड़ाई करनी है, अपने आप से नहीं या अपने पड़ोसी से नहीं, लड़ाई करनी है हमारे असमता से, विषमता से लड़ाई करनी है, देश में रहने वाले ऐसे प्रवृत्तियों से जो हमें आगे आने के लिए पूरी तरह से नहीं आने देते।
तो मुझे लगता है ये विचार हम आगे चलकर करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में जरूर देश में समता का न्याय का एक राज बनेगा, जो राज भक्त बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा अपना एक सपना देखा था। आज बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर फूल दिए, प्रतिमाएं दी। मेरी एक बहन ने कहा कि मैं मेरे हृदय से आपको गौतम बुद्ध की प्रतिमा दे रहा हूं, इसके लिए मैंने भी हृदय के साथ दी, आपके हृदय से मेरे हृदय। गौतम बुद्ध ने, आपको याद होगा, गौतम बुद्ध बने कैसे? वैसे तो राजा थे, सिद्धार्थ थे, लेकिन उन्होंने अपने पास जो था वो छोड़ दिया, जैसे आपने छोड़ा आगे हमारे दिलीप कुमार, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुझे राज का सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे अपने आप में खोजना है, अपने आप को देखकर ये सोचना है कि किस तरह से सिर्फ मेरा नहीं तो पूरे मानव जाति के दुख किस तरह से समाप्त हो सकते हैं। अभी ये तो मैं बाबा साहब अंबेडकर के जिंदगी पर नहीं बोलने आया हूं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब धर्म छोड़ना चाहते थे, किसी धर्म को अपनाना चाहते थे, उनके सामने बहुत सारे पर्याय थे। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सोचकर, उनके दिल में दर्द हो रहा था, उन्होंने काफी पीड़ा के सामना करते हुए अंत में इस बात को स्वीकारा कि सिर्फ बौद्ध धर्म है, गौतम बुद्ध है, वही हमें आगे आने वाले दिनों में बचा सकता है। वैसे देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरे बाद में बौद्ध को धर्म नहीं मनी, लेकिन धर्म इस तरह से बनता है कि गौतम बुद्ध ने इतना काम किया, इतने इस तरह से उन्होंने अपने सामने अपना जिंदगी को इस तरह से ऊंचाया कि सबको उनके सामने जाकर अपना सर झुकाना पड़ा। मेरी बात को खुशी है कि मैं भी गौतम बुद्ध को इस तरह से मानता हूं कि मैंने विपत्सना जो गौतम बुद्ध ने दिखाई थी मैंने भी काफी समय से की है, क्योंकि मुझे पता है बुद्ध ही हमें वो रास्ता दिखा सकते हैं, और रास्ता ढूंढने के लिए हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने आप में खोज कर ही रास्ता निकालना होगा। तो ये बात को मेरी बहन को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें गौतम बुद्ध का दिया। मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में रेल मंत्री के नाते काम करने के समय गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों के, और गौतम बुद्ध तो भगवान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी महामानव है, लेकिन ऐसे अलग अलग लोगों के विचार हमें इस मार्गदर्शित करेंगे और आगे आने दिनों में हम उसी रास्ते पे चलने के लिए कोशिश करेंगे। मैं कह रहा था कि हम किसी भी हालत में रेल को मजबूत बनाने के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी उसको नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ 2 महीने हुए मैं मंत्री बना तो सबसे पहले मैंने एक कदम उठाया, मैंने कहा कि मैं देश का मंत्री हूं, देश को चलाने के लिए, रेल को ठीक करने के लिए मंत्री बना हूं, रेल के टेंडर को देखने के लिए मंत्री नहीं बना हूं। दुर्भाग्य से टेंडर से भी जो गलत काम होते हैं उसको रोकने की जरूरत है। आम जनता की यह भावना है कि किसी भी हालत में देश का कारोबार ऐसा चले कि जिसमें कोई भी भ्रष्ट का आचार न हो, भ्रष्टाचार न हो, उसे खत्म करने के लिए मैंने सबसे पहले कदम उठाया कि हम किसी भी हालत में मेरे पास एक भी टेंडर नहीं आएगा। हमने श्रीधर जी को बुलाया था उस कार्यक्रम को लाने के लिए, उन्होंने कहा कि शायद रेल के इतिहास में ऐसा क्रांतिकारी कदम पहले कभी नहीं उठाया गया था, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि आप अभी रेल को अलग रास्ते से चल दोगे। हमने एक काम लिया तो हमारे जो अधिकारी है उनको अधिकार मिले, लेकिन ये बात है काफी लोग आके कहते कि वहां भ्रष्टाचार ना हो, तो उसके ठीक करने के लिए जो भी कठोर कदम उठाने की जरूरत होगी वो सभी कठोर कदम उठाए जाएंगे। और मैं आप सबको विनती करता हूं कि किसी भी हालत में रेल में कोई भी गलत बात ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारे सबके सर के ऊपर है। यदि कोई भी गलत बात करेगा तो हम किसी भी हालत में, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, जो भी गलत बात करेगा उसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन लेने की जो भी जिम्मेदारी होगा नहीं हम उठाएंगे, क्योंकि उस देने के लिए आपने बल भी दिया है, आपने अलग अलग बातें दी, मैंने कहा प्रतिमा भी दी, शाल भी दी, हमारे असम से लोग आए उन्होंने उनके
उनकी संस्कृति के आधार पर बनी हुई एक इसको कहते हैं दुपट्टा दिया हमारे मित्र, उन्होंने तो राजस्थान का ये फेटा पहना है, लेकिन कुछ लोगों ने एक तलवार भी दी। मैं सोच रहा था तलवार किस बात के लिए, अभी तलवार से क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा अभी निकालिए तो सही। तो जब तलवार निकाली तो पता चला कि कोई भी गलत काम होता है उसको खत्म करने के कभी कभी तलवार की भी जरूरत हो सकती है। कहता हूं कि तलवार निकालने के बाद हमने म्यान तो कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लोग इस तरह से काम करेंगे क्योंकि तभी तलवार निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ सभी लोगों को कि रेल प्रशासन को इस तरह से चलाया जाए कि रेल काफी अच्छी तरह से बने। हमने दूसरी एक बात की, आप सबने सुना होगा देखा होगा कि हमारे पास चेयरमैन रेलवे बोर्ड, मेंबर रेलवे बोर्ड, जनरल मैनेजर, इस तरह के जो पोस्ट है उसके लिए सही माने में लोगों की जो अपेक्षा है उस तरह से व्यवहार नहीं होता था। काफी सालों से काफी महीनों से ऐसे स्थान रिक्त थे और लोग सोचते थे कभी भरेंगे। कुछ लोग तो गए थे ज्योतिष के पास क्योंकि वही अभी बता सकता है किस तरह से हो सकता है, लेकिन हमने बहुत कम समय में इस तरह से इस पदों का भर्ती कर दी कि एक भी लोगों ने शायद ऐसा नहीं कहा कि इसमें कोई गलती होगी होगी। भैरव जी आप बताइए, और वो भी काफी कम समय में। मुझे जो हमारे सरकार में काम करने वाले और वरिष्ठ अधिकारी हमारे मंत्रालय के बाहर वो कहते थे शायद ये काम 9 महीने 10 महीने चल सकता था, उसने आपको उसको हमने 1-2 हफ्ते में कर दिया। हम 31 के पहले ही चेयरमैन रेलवे बोर्ड रिटायर होने के पहले दूसरा चेयरमैन वहां हाजिर था, और हम ये आगे कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले जितने भी स्थान ग्रहण करने स्थान भरने हैं उसके लिए इस तरह सा प्रावधान किया जाए। रेलवे रिक्रूटमेंट में भी काफी गलतियां होती है, हमने इस बात को तय किया है कि आगे आने वाले दिनों में रेल का जो भर्ती होगी उसके लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की जाएगी। किसी भी हालत में हम ये नहीं होने देंगे कि कुछ लोग परेशानी से घूमते रहते। मुझे तो उनसे सही माने में इस बात का दर्द होता है कि अच्छे बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां जॉब के लिए घूमते रहते, कुछ दलाल आके उनको बहका देते हैं और उनके पूरे उनके करियर को खत्म कर देते। हम इस तरह से करेंगे कि पूरी पारदर्शिता लाकर पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, मैंने आदेश भी रिटर्न आदेश दे दिया कि किसी भी हालत में जो अभी रिक्रूटमेंट होगा वो रिक्रूटमेंट पूरी तरह से ऑनलाइन होना चाहिए। और उसमें भी आपके और भी कोई सुझाव होंगे तो मुझे दीजिए ताकि हम इस तरह से उसको बनाएंगे कि किसी भी गलती या किसी भी कोई भी आदमी लोगों को आकर बहकावे में न डाले, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। रेल को ठीक करने के लिए निवेश की जरूरत है, पैसे के बिना रेल नहीं चल सकती। डीजल डालना है, लोगों को तनख्वाह देनी है, यहाँ पर यातायात करने वाले लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ानी है, सभी चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसे के लिए दो ही मात्र पर्याप्त है, एक तो किराया बढ़ाया जाए या तो दूसरा सरकार से हमारे सेंट्रल बजट से भी पैसा लिया जाए। मुझे कहने के लिए खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि रेल को ठीक करने के लिए मैंने जो प्रस्ताव उनको दिया है उस प्रस्ताव के ऊपर काफी सकारात्मक दृष्टि से वो देख रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार के पूरे परिवार से जुड़े हुए सभी मंत्रालय किसी भी हालत में रेल को ठीक करने के लिए काम करें। हमारे काम करने वाले हमारे यातायात करने वाले लोगों की शिकायत रही है कि सुविधाएं तो बड़ी नहीं और आप हमें और कुछ बोझ उठाने के लिए कह रहे हैं, तो इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा निवेश करके उसके लिए हमने काफी पर्याप्त मात्रा में अलग अलग रास्ते ढूंढे। अभी मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि बजट आ रहा है, बजट में आपको इस बात का बिल्कुल एहसास होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हमें करेंगे कि ज्यादा निवेश करके रेल का नेटवर्क बढ़ाएंगे, ज्यादा निवेश करके रेल की सुरक्षितता को बढ़ाएंगे, ज्यादा निवेश करके यातायात करने वाले लोगों की सुविधाओं को बढ़ाएंगे, ज्यादा निवेश करके जैसे जहां पर डबलिंग है लेकिन टिप्पणी की जरूरत है, जब डबलिंग नहीं डबलिंग की आवश्यकता है, ऐसे अलग अलग जगह पर निवेश करके हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और वो करने के लिए उसके बाद मुझे विश्वास है कि रेल हमारे देश का बहुत ही अच्छा चलने वाला एक आस्थापना बनेगी, और जब बनेगी तो रेल में काम करने वाले लोगों को भी इस बात का विश्वास होगा, ये प्यार लगेगा
कि इसमें मैं काम कर रहा हूं और वही रेल कितनी अच्छी तरह से चल रही है, उसे लगता है इससे ज्यादा और कोई बात नहीं हो सकती। जब यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों को एक बात का पता हो कि मेरा आस्थापन विश्व में देश में एक बहुत अच्छा चलने वाला आस्थापन है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है और पूरी ताकत से हम इस बात की कोशिश करेंगे। रेल का निजीकरण एक किसने अफवाह फैलाई थी मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बार बार कहा था, पहले दिन से कहा था कि रेल का निजीकरण नहीं होगा। रेल चलाने के टाइम रेल का जो इंजन होता है ना, इंजन का व्हील ही रेल को चलाता है, रेल का व्हील जिसके हाथ में हुई तो रेल को चलाता है। तो मैंने कहा था किसी भी हालत में रेल का इंजन का व्हील मेरे ही हाथ में होगा, उसको दूसरे हाथ में किसी के हाथ में नहीं दिया जाएगा। सरकार का स्वामित्व रेल के ऊपर ही रहेगा और रेल का निजीकरण नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से दोहराया जब वो वाराणसी में अपने डीजल लोकोमोटिव वर्क के नए जो नया निवेश हमने किया उसके उद्घाटन के लिए आए थे। तो इसलिए मुझे विश्वास है आगे आने वाले दिनों में रेल को हम ठीक करके जरूर छोड़ेंगे, रखेंगे और करेंगे। बैरवा जी आज आपके अध्यक्ष है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि जिस तरह से वो भाषण कर रहे थे, जिस लगान से वो बात कर रहे थे, मुझे लगता है बहुत ही जल्द हमारे मेघवाल साहब के साथ में पार्लियामेंट में ही आएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भाषण किया, जिस तरह से संगठन किया है, मुझे नहीं लगता है कि और कुछ ज्यादा समय लगेगा उनको पार्लियामेंट में आने के लिए। लेकिन उन्होंने और उनके साथी अशोक कुमार जी ने और सबों ने मेरे सामने काफी विस्तृत पैमाने पर आपकी कठिनाइयां, आपके सुझाव, आपकी मांग नहीं कहूंगा कि उन्हें मांगा तो कुछ नहीं, लेकिन आपकी दिक्कतें, आपके कुछ रेल को ठीक करने के लिए आवश्यक सुझाव, और हम इंक्लूसिवनेस की जो बात करते हैं इसमें सभी रेल में काम करने वाले लोग तो इंक्लूसिव नहीं होंगे तो इंक्लूसिवनेस कहां से आएगा। इसके लिए आपने जो कहा कि रेल में काम करने वाले सभी लोगों के हित के लिए और खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो एम्प्लॉयज है उनके हित की रक्षा करने के लिए आपने जो भी सुझाव दिए, मैं जरूर इस सुझाव को लेकर जा रहा हूं दिल्ली और इसको सभी सुझावों के ऊपर हम सभी के साथ में बैठकर ही बात करेंगे। और मुझे दुर्भाग्य से ऐसा कोई ऐसी आदत नहीं है कि मैं सिर्फ ऐलान करता हूं, मैं ऐलान कम करता हूं, जो काम है वही ऐलान होता है और वही सबसे अच्छा होता है। और इसलिए घोषणा करने के बिना काम करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं जरूर बात को करूंगा। वैसे भैरवी जी मेरे साथ हमेशा व्हाट्सएप पे बात करते रहते, तो मेरी पत्नी पूछते है कि रात को इतने समय से दोपहर को भी सुबह के भी ऐसा कौन है जो आपको व्हाट्सएप पे बात करता है, क्योंकि हमेशा उनका मैसेज आते रहता है। तो अभी मैं पत्नी को कहूंगा बैरवा एक आदमी का नाम है, कोई दूसरे का नाम नहीं। तो इसलिए मैं जरूर आपको कहूंगा कि आपके साथ में जो संवाद है वो संवाद जारी रहेगा, आपके साथ में बने हुए जो तालुकात है वो कभी खत्म नहीं होंगे, और आपने जिस प्यार से आज हमें गौरवाया मैं आपको जरूर कहता हूं कि आज और हमारा रिश्ता और कोई और रिश्ता बन गया है। मैं रेल मंत्री हूँ, जरूर आपके लिए काम करेंगे करेंगे, क्योंकि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी भी कोई भी जिम्मेदारी हो मेरे सर के ऊपर मैं जरूर आपको वादा करता हूँ कि जिस रास्ते के चलने के लिए बाबा साहब अंबेडकर, गौतम बुद्ध और हमारे अलग अलग नेताओं ने जो हमें रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर ही हम चलेंगे, और किसी भी हालत में रेल को ठीक करेंगे। रेल में काम करने वाले खास करके हमारे जो दलित है, हमारे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लोग हैं, उनके हित की रक्षा भी किसी भी हालत में हम करते रहेंगे। इस बात के लिए आपको कभी भी शक आने की जरूरत नहीं है, उसको निभाने की जरूर कोशिश करेंगे। मेरे मित्र है वो तो बहुत ही अच्छे वक्ता भी है। वैसे क्या हुआ, एक दिन मैं और एक प्रोग्राम में थे, वो कार्यक्रम में टीवी के प्रोग्राम में, हिंदी टीवी के प्रोग्राम में जो नरेगा स्कीम के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो शायद किसी ने देखा कि नरेगा में चर्चा करे, उनके साथ में बैठा हूं, उसको साथ में देखकर कुछ दिनों में मुझे मंत्री बनाया गया। तो आप में किसी को यदि मंत्री बनना है तो उनके साथ में टेलीविजन की चर्चा में जाइए, तो आपको मंत्री बनने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आपको सब अच्छी तरह से मेघवाल जी बताएंगे कि हमारी पार्टी की, हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियां क्या है, आरक्षण के बारे में क्या है, अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग
जो ब्रॉड इश्यूज है उसके ऊपर वो विस्तार से बताएंगे, और वो जो बताएंगे वो हमारी पार्टी की नीति होगी, हमारी सरकार की भी नीति होगी, और हम जरूर उस नीति को अपनाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और अलग अलग बिंदुओं के ऊपर जो आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जो शायद मेरे से हटकर प्रधानमंत्री जी के लिए आपने कहा है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी सही माने में यदि पूरे देश की तो चिंता करते ही है, लेकिन देश को चिंता करने वाले वो पिता है। एक पिता को सबसे चिंता सबकी होती है, सबके परिवार के लोगों की होती है, लेकिन और से उससे भी ज्यादा चिंता किसकी होती है, जिसको ज्यादा मदद की जरूरत होती है। परिवार में कितने भी लोग हो, तो मैं जरूर हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर इस बात के ऊपर सोचेंगे जिसको आपने कहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुझे सौभाग्य मिला कि उनके मंत्रिमंडल में 6 अलग अलग मंत्रालयों का कारोबार मैंने देखा, और मुझे मालूम नहीं क्यों, लेकिन बेटे जैसा प्यार उन्होंने मुझे दिया, और इसलिए आज ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री जो इसी तरह से देश में रहने वाले दलितों के लिए, कमजोर लोगों की जो चिंता करते हैं, उनके मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिल रहा है। तो जो रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनाया था, वही रास्ते पे नरेंद्र मोदी जी भी चलेंगे, इस बात के ऊपर आपको कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा धन्यवाद देते हुए, गरवा जी को दोबारा ये बात कहते हुए कि आज से अपने बड़े परिवार के साथ में जो रिश्ता जुड़ा हुआ है वो रिश्ता जारी रहेगा। मैं जल्द, बहुत ही जल्द, जैसे कि 18 तारीख को मैं चेन्नई आ रहा हूँ, 19 तारीख को अपने दूसरे जोनल ऑफिस में मैं सिकंदराबाद आ रहा हूँ, इसलिए सब जगह में आते रहेंगे। कैसे मैं कलकत्ता भी गया था, गुवाहाटी में भी गया था, उस दिन वाराणसी में, अलग अलग जगह पर जा रहा हूँ। जहाँ जहाँ आऊँगा आप सबसे मुलाकात होती रहेगी, आपसे जो रिश्ता बना है वो तो दोहराते रहेंगे, और आगे आने वाले दिनों में सब मिलकर रेल को ठीक करने के लिए, आपके हितों की रक्षा करने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। क्योंकि आपने अभी देखा होगा कहाँ कहाँ से लोग आए थे, आसाम से लेकर तमिलनाडु तक सब जगह से लोग आए थे। यहाँ से जितने लोग आए वही सही माने में हमारा देश है, हमारी देश की वही पहचान है, यानी भारतीय रेल यही देश की सही पहचान है। देश को ठीक करना है तो रेल को ठीक करो, रेल ठीक हो जाएगी तो देश ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बहुत सारे कार्यक्रम है, लेकिन बैरवा जी को मैंने वादा किया था कि किसी भी हालत में आज के दिन आपके सम्मिलित में सो जाऊंगा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अशोक कुमार जी से रिक्वेस्ट है, काहे जी साहब को भी मोमेंटो देंगे। साथियों जोरदार नारे लगाए गए, सुरेश प्रभु जी जिंदाबाद, 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 माननीय रेल मंत्री जिंदाबाद। आज का ये जो कार्यक्रम है सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और कोंकण रेलवे, ये तीन रेलवे हमारी बॉम्बे के अंदर मिलती है एक दूसरे से। उन तीनों रेलवे के जो अनुसूचित ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के जो जोनल कार्यकारिणी है, उन्होंने ज्वाइंट AGM रखा था, और ज्वाइंट AGM के साथ साथ जो हमारे माननीय मंत्री जी सुरेश प्रभाकर प्रभु जो रेल के मंत्री बने हैं, अभी 2 महीने का कार्यकाल उनका हुआ है, उनसे बात करने के बाद उनका आज सम्मान समारोह भी था। उस सम्मान समारोह में पूरे देश से जो ऑल इंडिया SC ST के जो जोनल पदाधिकारी हैं उनको आमंत्रित किया गया था, क्योंकि ये सेंट्रल कार्यकारिणी की तरफ से भी इसका सहयोग था इस कार्यक्रम को करने में। और हमारा एकमात्र उद्देश्य इस कार्यक्रम को करने का था कि जो हमारी अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों की समस्याएँ हैं और जो एसोसिएशन से संबंधित हमारे जो पेंडिंग इशू चल रहे हैं रेलवे बोर्ड में, उनको किसी तरीके से सरकार के सामने पहुंचाया जाए। तो उस श्रृंखला में हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी जो माननीय सांसद हैं, वो हमारे संरक्षक भी हैं और लोकसभा में चीफ व्हिप भी हैं, तो वो समय समय पर हमारी बात तो करते रहते हैं, लेकिन हम चाहते थे कि पूरे देश से लोगों को बुला करके उनको दिखाया जाए, रेल मंत्री जी को दिखाया जाए कि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन है रेल के अंदर जो पूरे देश में लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर ब्रांच में डिसिप्लिन से काम कर रहा है, और उस डिसिप्लिन से काम करने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी हम लोगों को नहीं मुहैया कराई गई। हमने ये भी डिमांड रखी है अपने मंच के माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि भाई वेलफेयर एक्टिविटी को करने के लिए, सुचारू रूप से रेल को चलाने के लिए और हम सहयोग इस रेल को मजबूत करने में कर सकते हैं, उसमें कुछ फैसिलिटीज़ का इजाफा किया जाए। और ख़ास करके हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं VL बैरवा जी ने
ये हमने एक दूसरे से तालमेल करके ये समस्याएं पब्लिक के माध्यम से सरकार के सामने रखने का प्रयास किया कि जो हमारे आरक्षण से संबंधित बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं लोकसभा में वो किसी भी तरीके से पास किए जाएं, जिससे कि जो एक प्रॉब्लम आ रही है पूरे देश में, एक कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है आरक्षण को लेकर के, वो दूर हो सके। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर प्रभु साहब को बताया था, उनका फेलिसिटेशन फंक्शन किया था और इस मुद्दे पर हमने दलित समाज की समस्याएं हैं उनके सामने रखी और जो समस्याएं केंद्र सरकार के स्तर की हैं उनके लिए भी उनसे आग्रह किया कि वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को सरकार को हमारी मांगों के बारे में बताएँ। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत संघर्ष करते जो हमारे हक और अधिकार दिलाए उनके संरक्षण के लिए हमने उनसे मांग की। और रेल मंत्री जी से हमने जो रेल कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी समस्या थी वो उनके सामने रखी है कि पिछले दिनों से ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि रेल का निजीकरण हो जाएगा, 100% आरटीआई रेल खतरे में आ जाएगा। इस बारे में भी हमने मांग की कि कोई भी विकास का काम होगा तो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज को साथ देगी, लेकिन उसमें रेल कर्मचारी और पर्टिकुलरली SC ST रेलवे एम्प्लॉयज हैं उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। इसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था बनारस में कि रेल का निजीकरण नहीं होगा और रेल में जो जॉब के अवसर हैं वो बढ़ाए जाएंगे, बल्कि वो सबको साथ लेकर के रेल के विकास में काम किया जाएगा। ये पहला अवसर था कि देश में कोई रेल मंत्री ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन किसी प्रोग्राम में आया और ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर था। और इस अवसर पर माननीय रेल मंत्री ने ऐतिहासिक भाषण दिया और ऐतिहासिक ढंग से ही हमको जो हमारे समाज की देश की समस्याएं हैं उनको समझाया और एक नया रास्ता हमारे लिए खुला है। एक रेल मंत्री ऐसा जिसमें कि जो रेल में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, अपने पास कोई कॉन्टैक्ट सिस्टम उन्होंने नहीं रखा और जहाँ जहाँ ऐसी जो गतिविधियाँ हो रही है उनको रोकने के लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। तो हम आशा कर रहे हैं कि इसी रेल मंत्री के नेतृत्व में रेल का विकास होगा और हम लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, ऐसी हम कामना करें।